हिसार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रेणुका कुमारी के जीत का दावा प्रत्याशी के पति वीरेंद्र कुमार प्रतिहस्त उर्फ जी व उनके समर्थकों ने किया दावा। पंचायत आम चुनाव के सातवें चरण के तहत 15 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर हरलाखी प्रखंड के सभी 17 पंचायतों में चुनाव प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इस दौरान हिसार पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रेणुका कुमारी के पति वीरेंद्र कुमार प्रतिहस्त उर्फ रूनु जी और उनके समर्थकों ने बताया कि प्रत्याशी के पति रूनु जी जिस तरह एक समाजसेवी के रूप में पंचायत की सेवा की है उसके फलस्वरूप उन्हें जनता का पूरा समर्थन है। चार पंचायत से आपका प्रत्याशी है मुखिया पद के रूप में, आप बताएंगे जीत कराएंगे तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी पंचायत में, आप अपना परिचय देंगे। जी, मैं वीरेंद्र कुमार प्रतिहस्त उर्फ रूनु, मेरी पत्नी लड़ रही है, ये महिला सीट। प्रत्याशी का क्या नाम है? रेणुका कुमारी जी। प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 है, मधुबनी जिला के अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के हिसार पंचायत से लड़ रही है। हम लोगों का प्राथमिकता होगा जो गांव की जो नाली है, सड़क है, जो जर्जर है, एक भी नाली बना ही नहीं आज तक हिसार में जी। उसको हर गली में नाली बनवाना, सड़क को ठीक करवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, विद्यालय सुचारू रूप से संचालन हो हिसार में, इस व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। आपका पंचायत एक ही गांव है हिसार, और हिसार पंचायत भी है, इसमें और भी कोई गांव नहीं है जो बोझ कुछ ज्यादा होगा विकास को लेकर के ज्यादा समस्या है, एक ही गांव है। एक ही गांव है और इसके बगल में दो टोला है जी, एक लक्ष्मीपुर टोला है जी, और ये गुलरिया टोला है जी। तो कितना विकास हुआ है आपके यहाँ, कितने वर्षों से कितने लोग कैसे लोग यहाँ मुखिया रहे हैं और पंचायत के विकास? एक ही परिवार के लगभग 30 वर्षों से शासन रहा, उन्हीं के परिवार में जो मुखिया है वर्तमान उनके पिताजी विधायक हुए और वो खुद 15 साल से मुखिया है, उनके परिवार में प्रमुख भी हुए उनके लड़के ब्लॉक के। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गली मोहल्ले में नाली का तो निर्माण हुआ ही नहीं, न कोई सड़क बना, न कोई मतलब बच्चों के खेलने का भी कोई स्थान ऐसा चिन्हित होता जहां बच्चे जाके एक्सरसाइज करते, किसी भी क्षेत्र में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, एक भी कचरा डंपर नहीं है जिसको जमा किया जाए, एक जगह यात्री सेट नहीं है जो ग्रामीण लोग जाते हैं बस पकड़ने के लिए तो वहां पर रुके ये करें। लेकिन कहीं भी किसी भी विकास का नाम का तो कोई चीज, आजादी के बाद हिसार आप चारों बगल चले जाइए हिसार पंचायत के बगल में इतना पिछड़ा हुआ कोई पंचायत आपको नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही कोई पंचायत है जो काम इन्होंने जो भी काम किया। आप चले जाइए सड़क में एक हवाई चप्पल पहन के चलिए, आपको तुरंत 2 घंटा के बाद हवाई चप्पल बदलना पड़ेगा, वो इसमें सिर्फ कंक्रीट दिखा रहा है, कोई बालू नाम का चीज नहीं, सीमेंट नाम का चीज नहीं, सारा समाप्त हो गया है। ये इन्होंने जितना भी सारे जगह करप्शन करके, चाहे इंदिरा प्रधानमंत्री आवास का हो पैसा, चाहे मनरेगा का पैसा हो, सारे जगह करप्शन करके सब अपने जेब में, इतने दुर्भाग्यपूर्ण हुआ जो महिला अपने बच्चे को पेड़ में लटका करके अपने टोकरी में झांप करके मिट्टी काटी, नहर में, तालाब में, सड़क में, एक भी मनरेगा का मजदूर का पैसा नहीं मिला काम करने वाले का, और जो काम नहीं किया उसके खाते में पैसा डाल दिया गया और उससे बिचौलिया सारा पैसा मंगा करके इन्होंने अपने खाते में डलवा लिया, ये स्थिति है इस पंचायत का। आपका प्रत्याशी अगर जीत कर आते हैं पंचायत में मुखिया पद पर रहेंगे तो आप जनता से क्या क्या वादा करना चाहते हैं कि किन किन समस्याओं को दूर करेंगे, जनता का विश्वास कितना जीतना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो निश्चित 100% सबसे पहले तो करप्शन खत्म करना चाहेंगे, तो किसी डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं हो, और हम चाहेंगे जो सबसे पहले जो नाली बने, सड़क बने, जो विकास के लिए एकदम ये चीज है, एक गांव में कहीं ट्रक अगर चली जाती है बालू का ट्रक या गिट्टी का ट्रक तो उससे किसान को यहाँ के आम आदमी को हजारों रुपए की बचत हो जाती है, और कृषि का ये प्रधान है, अभी भी लगभग 70 आदमी हम लोग उसी किसानी पर जी रहे हैं इस गांव में, तो कृषि के बारे में भी हम लोग विकास करेंगे, जहां तहां जल नलकूप लगेगा, जहां तहां नहर की नाली खींच करके हम लोग पटवन की भी व्यवस्था करेंगे, साथ में गांव की जो शिक्षा व्यवस्था खत्म है
उसको निश्चित रूप से दुरुस्त करेंगे, जहां कोई डर नाम की चीज नहीं है। कोई भी स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है, न कोई शिक्षक पहुंच रहे हैं, सब आसान में पड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो हिसार पंचायत। इस बार बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं लोगों में कि नए प्रत्याशी इस बार जो है सो आ रहे हैं आपके मुखिया के रूप में आपके हिसार पंचायत में, तो क्या लगता है कितना समर्थन आपको मिल रहा है इस बार, कितना विश्वास है? निश्चित रूप से ये कहने में कहीं कोई ये नहीं है, जो सभी नौजवान महिला जितने गरीब गुरबा है सभी बदलाव चाह रहे हैं। चूंकि इतने दिनों तक इनको एक छत्र शासन यहाँ से पटना तक दिया, गांव में असंतोष की भावना जगी हुई है, सारा कुछ इन्होंने अपना बना लिया, कहीं कुछ किया नहीं, इसलिए जनता का अपार समर्थन है और स्नेह भी है कि निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव हो और काम भी हो, उनकी ऐसी ही आशा है। 15 तारीख को मतदान है, बहुत कम समय रह गया है और आज छठ पर्व भी है, महान पर्व है मिथिला का, तो जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और 15 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? छठ पर्व के अवसर पर हमको सभी पंचायत के जनता के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, छठी मैया की कृपा से सभी स्वस्थ रहें और सभी 15 तारीख को जाकर के हम तो नाश्ता भी नहीं जोड़ते हैं, नाश्ता भी नहीं करें, भोजन भी नहीं करें, एक दिन का उपवास रख के लाइन में खड़े होकर के हिसार के विकास के लिए वो निश्चित रूप से अपना वोट डाल दें कि हिसार का विकास सुनिश्चित हो सके। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? हमारा चुनाव चिन्ह पूल छाप है जो 5वें नंबर पर है, ईवीएम का 5वां बटन है जो अंतिम बटन होगा, हम लोग 5 उम्मीदवार वहां से खड़े हैं, और पूल छाप जिसको कहा जाता है यहाँ पर लोग पुला से समझते हैं, इसलिए आपके पंचायत में हिसार पंचायत में कौन मुखिया बनने जा रहे हैं, किनको आप लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं इस बार? हम लोग तो परिवर्तन चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस गांव का परिवर्तन हो। परिवर्तन का मतलब एक ही आदमी जो इतने सालों से है, शायद मुझे नहीं लग रहा है इस तरह से जब विकास कहीं भी विकास नाम का कोई चीज नहीं दिख रहा है। अरे लेकिन लाइट तक नहीं लगा पाए आप इतने सालों में, आपने क्या विकास किया है? आप ही खुद मुखिया हो, प्रमुख हो, बहुत दूर तक आपकी पहुंच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गांव को भूल जाओ। गांव का विकास होना चाहिए, जनता को विकास चाहिए, आपका प्यार विकास से संबंधित होना चाहिए। जो भी कोई काम हो, सड़क हो, नाली हो, लाइटें हो, और भी चीजें बहुत सारी सुविधाएं हैं, शौचालय वगैरह हो, कहीं पे भी मतलब एक बस ठहराव नहीं है हमारे पंचायत में, एक पंचायत भवन नहीं है जिसकी वजह से मुझे किसी भी बसदा केंद्र पे जाना पड़ता है, भाई 100 रुपया 150 रुपया देके बच्चों का एडमिशन वगैरह करवाना होता है, कोई भी काम हो उसमें पैसा लगता है मुझे 100-150 रुपया। अगर गांव में पंचायत भवन बन जाता तो शायद सरकारी कर्मचारी आते और उनके थ्रू हम लोगों को फ्री में होता है, 2-4 रुपये 5 रुपये में होता, लेकिन वो सब कहीं कुछ नहीं है। एक पंचायत भवन जहाँ पे कि आम आदमी जाके अपने समस्या हल कर सकते हैं, पंचायत बैठा के किसी भी तरह का गांव में प्रॉब्लम हो तो उस पंचायत भवन में होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएं, कहाँ भटकें भैया? तो क्या लगता है इस बार कौन मुखिया बनने जा रहे हैं, किनको आप लोग चुन रहे हैं मुखिया इस बार? लोग तो पूरा परिवर्तन चाहते हैं कि कोई भी हो, पर इनको हटा के दूसरा कोई बने। जिस रूप में हम लोग रेणुका कुमारी को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे बढ़िया कोई प्रत्याशी नजर आ रहा है। जी जी, होनेस्ट, ईमानदार, और उनके पति वीरेंद्र कुमार प्रतिहस्त है, उसके जैसे रुन्नू जी हैं, काफी ज्यादा ईमानदार हैं और हमेशा जनता के बीच में लगे रहते हैं। जी, देख रहे उन्होंने हैं करके दिखाया है जी, जनता के सुख दुख में हमेशा रहे हैं। पिछला बार ड्रॉप होने हारने के बाद भी उन्होंने 5 साल काम करके दिखाया जनता को। जी जी, इसलिए वो वोट मांगने जा रहे हैं, उनका हक है इस पंचायत में वोट मांगने का, लेकिन उनका क्या हक है जो 30 साल से आप ही है और आप जा रहे हैं कहने की भैया हमें आप वोट दीजिए, इस बार दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। 15 साल तो आपको मौका दिया था भैया, 15 साल आपने क्यों नहीं काम किया, किसने रोका था आपको काम करने के? आप तो विकास ब्लॉक में भी आप ही प्रमुख हैं, बड़े भाई साहब आपके मुखिया हैं, तो आपने क्यों नहीं किया जो आपको ये कहना पड़ रहा है कि अगली बार हम काम करेंगे? जी, पिछली बार भी काम करके दिखाते तो दूसरा उम्मीदवार खड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं होता। वीरेंद्र कुमार क्यों खड़ा हो रहा है आज? रेणुका कुमार क्यों आपके विरोध में खड़ा हो रही है? इसीलिए खड़ा हो रही है कि आपने गांव का विकास ना करके आपने उसको रोक दिया है, मजबूरन हम जनताओं को दूसरा उम्मीदवार देना पड़ रहा है, इसलिए देना पड़ रहा है कि आपने वो काम नहीं किया है। जी जी। और हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है कि रेणुका कुमारी जिनका पूला छाप है वो निकलेंगी और करके दिखाएंगी, 5 साल करके दिखाएंगी, अगर काम नहीं करेंगी तो हम तो जनता है, लेकिन उनको उतार के फेंक देंगे? जी बिल्कुल, 5 साल के लिए तो चुनते हैं ना हम उम्मीदवार। जी जी। हमने तो कसम तो नहीं खा लिया, डिक्टेटरशिप तो नहीं है जो हमने कसम खा लिया कि भैया तानाशाह की तरह हम जिंदगी भर आपको गुलामी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर अगल बगल पंचायतों में बदलाव हो रहा है,
हो सकता है कि 5 साल इनको करके देखते, 15 साल आपको देखा है, 5 साल इनको देखे देखते हैं, अगर उन्होंने किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आप भी साइड हो जाओ, तीसरा उम्मीदवार आएगा कोई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार पंचायत से आप किन्हें अपना मुखिया चुन रहे हैं, किस तरह का पंचायत में काम हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में? इस बार हम लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। पिछले 15-20 साल से हम लोगों ने जो वर्तमान मुखिया रहे हैं, तीन टर्म इनका भी हो गया और इनके जो है सो संरक्षण में जो पहले मुखिया हुए थे, तो कुल मिलाकर 20-25 साल से ये शासन में है लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं। तो हम लोग इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेंगे और रेणुका कुमारी हैं, उनका पुल छाप है, उनके लिए हम लोग वोट करेंगे और उम्मीद है कि भारी मतों से वो विजय होंगे और पंचायत के विकास के लिए वो काम करेंगे। अभी जो वर्तमान मुखिया साहब हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना खजाना भरना जानते हैं, ना तो कोई रोजगार का सृजन कर पाए। स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है, ना शिक्षक है, ना वहाँ का मिड डे मील के बारे में कुछ है, कहीं कुछ नजर नहीं आएगा, ना साफ सफाई है, ना शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय है भी तो गंदगी है, कोई देखने वाला नहीं है। लावारिस बनाकर इस पंचायत को उन्होंने रख दिया। तो इस बार हम लोग नए मुखिया का चुनाव करेंगे और इस उम्मीद के साथ चुनाव करेंगे कि वो पंचायत के विकास के लिए सुदृढ़ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और इसको एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। अभी देखिए, इतने सालों से ये सत्ता में है, सड़कों की जो स्थिति है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, जल जमाव हो जाता है, तालाब सा मंजर दिखने लग जाता है, जो बच्चियां स्कूल आती है उनको काफी परेशानी होती है, घुटनों से ऊपर उनको कपड़ा समेटना पड़ता है। हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि जहां इतना राजनीतिक तौर पे ये गांव, इतना ये पंचायत इतना अग्रणीय है, एमएलए रह चुके हैं, उनके पिताजी भी एमएलए रह चुके हैं, फिर भी ये गांव सबसे पिछड़े गांव में है। दूसरे गांव से जो भी लोग आते हैं वो कहेंगे कैसा गांव है, कि ज्यादा यहां पर जो है पुरोहित हो गया है, मठ खराब हो गया है, सारे राजनीतिक दल यहीं बैठे हुए हैं और सबसे बुरा हाल इसी गांव का है। तो न सड़कें हैं, न गलियां हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है। तो इस बार हम लोग पंचायत के लिए पंचायत के विकास के लिए वोट करेंगे और नया उम्मीदवार रेणुका कुमारी का चयन करेंगे।